नमस्ते सत्याकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेशन जर्नी है जी। आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त और फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू। इस तरफ तो ठहर है ही और इस तरफ और देखो, इस तरफ भी अलग ही चल रहा है। अरे भाई सांस लेने दो यार, सांस लेने दो। ये मानो तीन तीन चार चार लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। सूटकेस खोल के दिखाओ, बैग खोल के दिखाओ। प्राइम मिनिस्टर एंड द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। कसी आहे पब्लिक। इससे पहले इंडियन रेलवे ने लॉन्च की थी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ। आज की डेट ऑफ जर्नी 7 जुलाई। और आज रेलवेज आपके सामने 2 वंदे भारत लेकर आई है। पहली हो गई गोरखपुर टू लखनऊ और दूसरी हो गई आपके सामने जोधपुर अहमदाबाद साबरमती। और आपके सामने मैं कौन सी वंदे भारत लेकर आया हूँ? दिस इज़ गोरखपुर लखनऊ की इनॉग्रल जर्नी। और उत्तर प्रदेश से एक और वंदे भारत। और उत्तर प्रदेश का मज़ा ही अलग है, मतलब यहाँ की वाइब ही अलग है। शुरू करें? नहीं, देखिए आपको स्टाइल बता दें। कमांड गोरखपुर के GKPK प्लेटफॉर्म नंबर 1 से इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है। चलिए हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। मज़ा आएगा आज का ब्लॉग देखिएगा। उत्तर प्रदेश की वंदे भारत गोरखपुर। यहाँ पर CM PM आपको पता ही है, मतलब अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन। दिस इज वंदे भारत महोत्सव। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर हो गई आपकी वंदे भारत, मिनी वंदे भारत 8 कोच वाली। और ये आपको दिखाना बनता है, मतलब ऐसा सेलिब्रेशन, इतना ज़बरदस्त मार्केटिंग अब तक वंदे भारत की नहीं देखी गई। मैं आपको बता रहा हूँ गोरखपुर का करंट टेम्परेचर मान लीजिए, दोपहर के बज रहे हैं करंटली करीब 2-2.5 मान लीजिए। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में आप देखिए ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। स्कूल के बच्चे आप देख सकते हो, MLA MP आप कह लीजिए, अलग अलग सब डिग्नेटरीज और सब इनवाइटेड हैं। पूरी पुलिस सिक्योरिटी के बाद, जांच होने के बाद ये यहाँ पहुँचे हैं। अगर आप देखोगे अलग अलग लेवल के, देखो यहाँ पर ये चेयर्स हो गई, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर वो सोफा चेयर है, आगे सोफा। पुलिस पूरा अलाउ नहीं करेगी, तो जितना भी मैं आपको दिखा पाऊँ कोशिश कर रहे हैं। मतलब स्टेशन पर देखो, ये स्टेशन हो गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 और आप यहाँ देखो, मतलब क्या ज़बरदस्त इनको जोड़ा गया है देखिए। और अभी तो सोचिए यहाँ पर CM आ जाएंगे, यहाँ पर भाई साहब क्या, मतलब पता नहीं हमको तो अलाउ करेंगे कि नहीं, बट दिस सेलिब्रेशन इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब ये सच में मैं कहता हूँ ना, ये है वंदे भारत महोत्सव आपके सामने। जैसे जैसे नई नई वंदे भारत आ रही हैं वैसे वैसे ये सेलिब्रेशन और बड़ा होता जा रहा है। देखो कितना बड़ा मंडप, आप ये सब देखो कितना पैसा खर्च होता है भाई। इधर ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट जरूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। हमारे संग आज की वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रल जर्नी के ट्रेन मैनेजर सर मौजूद हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे पहले आपका नाम और आप रेलवेज में कितने साल से हैं? मेरा नाम रेलवे में 93 में अपॉइंटमेंट मेरा हुआ था जी, और आज 2023। और सर वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेन मैनेजर बनने के लिए करीब कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए? मेल एक्सप्रेस के गार्ड ही वंदे भारत में ट्रेन मैनेजर होते हैं, जो भी मेल एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर हैं वो होते हैं जी। और उनको मेल एक्सप्रेस तक आते आते
15-20 साल तो लग ही जाते हैं। तो लगभग 20 साल का अनुभव चाहिए ही चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस। और सर ट्रेन मैनेजर वंदे भारत का बनने के लिए आपकी कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ होती है स्पेशल? एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इसकी होती है। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इसका वर्किंग सिस्टम नॉर्मल ट्रेन से हटके है तो इसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जी। और सर इनकम की जरा अगर थोड़ा सा सैलरी की जरा बात करें तो एज कम्पेयर टू बाकी जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वंदे भारत के ट्रेन मैनेजर की इनकम ज़्यादा होती है? वो कैटेगरी सेम रहता है। हम कोई जरूरी नहीं है कि आज हम वंदे भारत चला रहे हैं कल हम नॉर्मल ट्रेन चलाएंगे। जी डे बाई डे चेंज होता रहता है तो बट इनकम आपकी सेम रहती है। सेम सेम। और सर आपका अभी आज ड्यूटी लखनऊ तक? हाँ। और इसमें दो आएगी दो ट्रेन मैनेजर चलने वाले? नहीं आज दो चल रहे हैं नॉर्मल कोर्स में एक ही ट्रेन मैनेजर होता है। अच्छा नॉर्मली कमर्शियल में एक ही हो। चलिए थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। इनके लिए एक लाइक बनता जरूरी तो आप देखोगे। तो मैं पीछे आया हूँ केबिन में यहाँ पर क्या जबरदस्त एसी चल रहा है और ये बदलाव है। पहले जो ट्रेन मैनेजर के केबिन होते थे नॉन एसी वगैरह बट आप यहाँ देखिए। आप कहते हैं कि एक ही वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों दिखाते हो बट हर इनॉग्रल जर्नी का अपना एक अलग मजा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आगे उस तरफ देख लीजिए दिस इज C1 C2। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की एंट्री होगी और सीधा वहाँ पर उनकी एंट्री होगी। अब तक जितनी वंदे भारत थी सबके गेट्स ओपन रहते थे बट ये वाली वंदे भारत 02549 इसका खाली लास्ट C8 ओपन कर रखा है। मतलब मीडिया पैसेंजर जिसको भी बोर्ड करना है वो बोर्ड करेंगे लास्ट कोच से। सोचिए पूरा हम अभी चल के गए पूरा वापस चल कर आए मीडिया पास वगैरह CPR ने एलोकेट किए हैं। आपको मैं सबसे पहले पास दिखा दूँ ये देखो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। हाँ सबसे पहले आपको बता दूँ ये कॉम्प्लीमेंट्री टिकट हमको दिया गया है फ्रॉम NER। आपको बता दूँ यहाँ पर जश्न देखिए आवाज़ उम्मीद है क्लियर होगी सब सेलिब्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बट ये आप देखिए वेदर अभी बारिश हुई थी। चलिए एक्सक्लूसिव नंबर हो गया 02549। आप देखो यहाँ सीन प्लेटफॉर्म पे अलग ही चल रहा है। दिखा दूँ थोड़ा सा इंटीरियर बहुत छोटा सा टूर आपके सामने ये हो गया एग्जीक्यूटिव 2x2 का कॉम्बिनेशन बट इसमें कलर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ब्लू ही कलर ही इन्होंने रखा है। सब वही चेयर रोटेट होती हैं आर्म रेस्ट लेग रेस्ट हो गया पूरा आप देखोगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ज़्यादातर उनको ये एलोकेट किया गया है। आगे MLA डिग्निटरीज जो भी आएंगी वो सब उसमें आएंगी। आपको खाली इस तरफ एक छोटा सा चेयर कार का और टूर दिखा दूँ बड़ा भी देखिए इस वंदे भारत में ये चीज़ समझ में आई। देखो जो इन्होंने यहाँ पर चेयर कार में दिया है ये देखो यहाँ पर आपको मिलेगा चेयर कार में 3x2 का कॉम्बिनेशन बट कलर अगर आप देखोगे कलर बिल्कुल सेम है चेयर कार का प्लस उस तरफ एग्जीक्यूटिव का। ये चीज़ कुछ यहाँ पर नई देखने को मिली है बिकॉज ज़्यादातर वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव का पैटर्न टेक्स्चर अलग था। है कोई बात नहीं आप यहाँ देख लीजिए यहाँ पर आएगा प्राइम मिनिस्टर और CM का इंतज़ार हो रहा है। आगे आप पोडियम देख सकते हो आगे तो खैर ये जाने ही नहीं देंगे बाहर से अंदर से भी नहीं और बाहर से भी नहीं। इंतज़ार हो रहा है एक बार वो आ जाए फ्लैग ऑफ हो जाए और फिर यहाँ से सफ़रनामा शुरू करने के लिए तैयार। करंट वक्त 4:40 जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन टाइम बताया था दैट वॉज 3:40। फाइनली आई कैन सी ऑन द स्क्रीन प्राइम मिनिस्टर इज हियर। तो चलिए अब यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा इनॉग्रेशन होगा और एक और जर्नी की शुरुआत करेंगे। और जैसा मैं आपसे कहता हूँ आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं देखिए आपको स्टाइल बताते हैं आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। और जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपको बताइए है, उस जगह की एनर्जी ही अलग होती है। बस दुआ कीजिए कि फ्लैग ऑफ जल्द से जल्द हो और सफ़रनामा की शुरुआत करें। यहाँ पर आप देखिएगा वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रल जर्नी का जो सबसे बड़ा मंजर होता है वो ये है दैट इज़ द इनॉग्रेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द CM। आप यहाँ पर देख सकते हैं ही इज़ हियर ये लीजिए द प्राइम मिनिस्टर एंड द CM ऑफ उत्तर प्रदेश। और आप देखोगे गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के MP भी आप देख सकते हो फाइनली। और आपको बता दूँ दो वंदे भारत रवाना हो रही हैं पहले जोधपुर वाली को रवाना किया गया है और अब हमारी गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत फाइनली रवाना होने के लिए तैयार। और देखिए जहाँ तक आप देखोगे मोबाइल वीडियोग्राफी कैमरा आप देखो ये है एक्साइटमेंट गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर एक से वंदे भारत रवाना होने के लिए तैयार। पुलिस देखिए सिक्योरिटी आप देखिए अलग अलग ही माहौल है आपसे कहा ना दिस इज #वंदे भारत महोत्सव।
जर्नी का ये हो गया पहला स्टॉप सहजनवा। आप देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त बारिश और लोगों में उत्साह देखिए, डेडिकेशन देखिए, मतलब इतनी ज़बरदस्त बारिश में भी आप सोचिए लोग खड़े हैं वंदे भारत देखने के लिए। हमारा जो इवनिंग स्नैक्स है सब खाना पीना जूस चाय कॉफ़ी सब इस स्टेशन से बोर्ड किया जाएगा बिकॉज बारिश हो रही है। तो आईफोन के संग टेंशन नहीं, बिल्कुल बहुत ध्यान से करेंगे, बट आप सोचिए ये पागलपन लोगों में भाई साहब क्या क्या ही कहें, थोड़ा क्या नीचे नहीं जा सकते बिकॉज बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है। ये देखो इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, सोचो मंडप वगैरह सब बनाया गया बट तब भी लोग बाहर खड़े हैं वंदे भारत को देखने के लिए। भाई सब यहाँ आ ही रहे हैं कोई ना कोई, बट ये है इनॉग्रल जर्नी का मजा आपसे कहना, यू गेट टू सी द रियल इंडिया थ्रू दिस इनॉग्रल जर्नी। हार्डली 2 मिनट का स्टॉप यहाँ पर, मज़ा आ गया देख के, अलग अलग ही पागलपन। ये देख लीजिएगा हमारी जर्नी चल रही है और बिकॉज दिस इज़ इनॉग्रल जर्नी तो वंदे भारत को बिल्कुल प्रायोरिटी पर निकाला जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अब इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फूड नामा दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। अगर आप ये देखोगे दिस इज़ पॉपकॉर्न हो गए आपके लिए, यहाँ पर आपको पॉपकॉर्न हो गए, दिस इज़ पॉप्स आपको दिया गया है, ये समोसा है कि कचौड़ी है इसमें देखना पड़ेगा। यस ये आपको कचौड़ी दी गई है, ये आपके लिए एक क्रोसेंट हो गया इस तरफ देख लीजिए, ये चौको पाई हो गई, यहाँ पर केचप और प्लस उसके साथ आपको ये दिया गया है जूस। तो ये पूरा आपको बता दूँ जितना भी आप खाना पीना देख रहे हो लगभग 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं, सबका खाना आई आर सी टी सी की तरफ से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दिया जा रहा है। आप देखोगे यहाँ पर अभी करंटली मैं दूसरे कोच में आया हूँ आपको ये दिखाने के लिए, बट दिस इज़ नाइस। ये रेलवे की तरफ से जब ऐसी खातिरदारी होती है तो उसका बिल्कुल मज़ा ही अलग आता है। आप सोचिए ट्रेन कोशिश कर रही है कि टाइम शायद कवर अप हो पाए, बट वही है हमारा बिकॉज इवनिंग स्नैक्स इतना देर से बोर्ड किया गया है। तो आप देखोगे सब हल्का फुल्का ठंडा हो गया, मैं तो यही कहूँगा। ये आप देखोगे तो मखाने दिए गए, पर खैर कोई बात नहीं, जब इतने सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं उनका ध्यान रखना खाना पीना सब कुछ IRCTC की जिम्मेदारी। और मैं तो आपसे ये कहूँगा अगर आपने अब तक इनॉग्रल जर्नी नहीं की है ज़रूर कीजिए। आप सोचेंगे इनॉग्रल जर्नी के पासेस कहाँ से मिलेंगे, तो आप बता दूँ जिस जोन में वंदे भारत रन हो रही है उस जोन के आपको CPRO को कॉन्टेक्ट करना है, चीफ पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर उसको कॉन्टेक्ट कीजिए और आपको अगर हो पाया तो वंदे भारत का इनॉग्रल जर्नी का पास भी मिलेगा। कैरेमल पॉपकॉर्न सब बढ़िया, क्रोसेंट मिल गया मस्त एकदम वेनीला फ्लेवर लाजवाब। बाहर देखिए क्या बारिश हो रही है, क्या वेदर है, जब हम चले थे गर्मी थी और अब देखिए पूरी ट्रेन फुल, मतलब ऐसा लग रहा है मिनी वंदे भारत की जगह इसको फुल वंदे भारत होना चाहिए, 16 कोचेस पूरी की पूरी ट्रेन फुल जा रही है भाई साहब। ये हो गया एक और स्टॉप, आपको बता दूं कमर्शियल हॉल्ट नहीं है खलीलाबाद, दो ही कमर्शियल हॉल्ट दिए गए हैं, एक हो गया बस्ती और दूसरा हो गया अयोध्या। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है बट आप यहाँ क्राउड देखिए। मैंने आपसे कहा ना कैसी लगी वंदे भारत, मजेदार उत्तर प्रदेश की वंदे भारत, मजा आ रहा है ना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, पीछे ही चलेंगे। पुलिस देखिए आप लोगों में उत्साह देखिए, देखो ये लोग कभी शायद ट्रेन में ट्रेवल ना करें बट यस वो देखने आए हैं भारत का फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे। गेट के पास ही रहना है आपको बताइए, ऑटोमेटिक गेट्स, और एक बार गेट लग गए तो त्रास ही त्रास आप देखोगे। मिनी वंदे भारत कैसी लग रही है ट्रेन, फर्स्ट क्लास ना एकदम, कैसा लगा? गोरखपुर से लखनऊ ठीक है सिर्फ मात्र कितने घंटे में, 4 घंटे में, 4 घंटे में एकदम आपको फर्स्ट क्लास। वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी हो और रेलवे की तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आप कह लीजिए गिफ्ट ना मिले टोकन ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। ये फर्स्ट इनॉग्रल जर्नी जिसमें आपको एक जूट बैग दिया गया है, आपको दिखा दूँ ये देखिएगा फर्स्ट क्लास, और इसमें रख के इन्होंने जो जो मर्चेंडाइजेस दिए हैं यहाँ पर, ये वंदे भारत की कैप हो गई, इस तरफ आपको दिखाऊँ ये वंदे भारत का रिस्ट बैंड हो गया, ये एक पेन हो गया जो आपको अक्सर दिया जाता है, मोस्टली आपको कॉफ़ी मग दिया जाता है बट यहाँ पर आप देखिए ये NER ने ये वाटर बॉटल यहाँ पर दिया गया, स्टील या एल्यूमिनियम जो भी है इस तरफ,
ठीक है, ये उसका बॉक्स हो गया और प्लस ये पैम्पलेट दी गई है जिसमें जिसमें सब इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस वंदे भारत एक्सप्रेस, अबाउट टूरिज्म वगैरह वगैरह सब। एक छोटा सा बैच और दिया गया है वंदे भारत का, बट वो इस बैग में फिलहाल है नहीं। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री और ये सब मैं रखूँगा यादों के तौर पर, जितनी भी वंदे भारत की हैं सब की सब गिफ्ट जो मिले थे अभी भी घर पे रखे हैं। और ये वाली भी बड़ी अच्छा है, NER ने काफ़ी अच्छा मैं तो कहूँगा टोटल इन्होंने ही पूरा दिया है। सो थैंक यू सो मच इंडियन रेलवेज एंड थैंक यू सो मच NER फॉर दिस। चलिए एक और स्टॉप ये हो गया बस्ती, स्टेशन कोड हो गया आपका BST। ये ट्रेन वाया गोंडा नहीं चलाई गई है, वाया ये चलाई गई है अयोध्या। हाँ चलते रहिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। भाई ध्यान रखिएगा, जरा थोड़ा ध्यान रखना है सच में। ये देखो इन्होंने ये बैरिकेडिंग और लगा दी, थोड़ा आराम से भैया चलते रहिए। पता नहीं कितने ब्लॉगर्स हैं, थोड़ा चलते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, आराम से चलो भैया, रुक जाएंगे तो गेट बंद हो जाएगा भैया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वंदे भारत और लोगों में एक्साइटमेंट। भाई साहब यार इसको थोड़ा दूर तो लगाते हैं यार, थोड़ा चलने अरे यार सीरियसली यार सच में क्रेजी अलग है। देखो इस तरफ तो ठहर है ही और इस तरफ, और देखो इस तरफ भी अलग ही चल रहा है। अरे भाई सांस लेने दो यार, सांस लेने। वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार में फर्स्ट क्लास जर्नी चल रही है AK पाजी के संग। सोशल मीडिया वालों को, मीडिया वालों को दिया गया है C3। हम आ गए हैं दूसरे में भैया, हमको चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा भाई रिलैक्स। वहाँ पर तो भाई पूरा एक नंबर चल रहा है मॉल। आप पूछो मत, यहाँ पे सब खाने पीने की सेवा चल रही है, प्लस जैसा मैंने आपको दिखाया सब कॉम्प्लीमेंट्री टोकन वगैरह दिए गए। AK बाजी एंजॉयिंग द जर्नी। अरे वंदे भारत को इसको नहीं एंजॉय करेंगे फिर क्या एंजॉय। ये तो जरूर है उत्तर प्रदेश की वंदे भारत, और भाई ये कहना पड़ेगा मोटा पैसा खर्च किया। खर्चा तो बहुत होता है, पीछे का क्या बताया, लेकिन अरेंजमेंट काफी। अरेंजमेंट सोचो, इतने लोगों का खाना पीना अरेंज करना, प्लस सबके लिए टोकन्स, और फिर कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो दिल्ली से आए हैं रेलवेज वाले और वो वापस जाएंगे। अभी ये भी सुनने में आया अयोध्या से भी काफी जो NR के लोग हैं ना चढ़ेंगे, बोर्ड करेंगे। अच्छा मजा आएगा। चलो खैर देखेंगे आपको पूरा माहौल जैसा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बिल्कुल, और खाने भी खाए जैसा, और हमारे संग वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी करते जाइए, करते रहो बस, अभी तो गिनते रहो हाँ साथ में कितनी जर्नी होगी बस। आपको बताया ना इंडियन रेलवेज का एक रिकॉर्ड, हम दोनों का एक रिकॉर्ड चल रहा है भाई, मजा बहुत आता है। अरे जितनी मर्जी दूर से आए ना, थकावट जितनी मर्जी हो, यहाँ पर आके सब खत्म, बिल्कुल सेट हो जाता है मजा। अयोध्या में आपका स्वागत है, मेरे साथ पहले बोलिए तो सही जय श्री राम। और आपको बताइए अयोध्या, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर जिसकी शुरुआत एक्सपेक्टेड है January 2024। आप देखिए पब्लिक में, आप क्रेज देखिए। एक और हमारी जर्नी का वंदे भारत का कमर्शियल हॉल्ट, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, तो ज़रा गेट का ध्यान रखिएगा। और अयोध्या को लेकर सोचिए वंदे भारत कितना टूरिज्म बूस्ट करेगी। यहाँ से कौन कौन ब्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा ज़रूर। अयोध्या में आया था आई गेस रामायण एक्सप्रेस से, अगर आपको याद हो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आप, बट आप सेलिब्रेशन देखिए, आप जश्न देखिए, मतलब वंदे भारत का जो क्रेज़ है ना लाजवाब लाजवाब। उतर जाओ भैया, गेट लग जाएगा, ब्लॉगर का अलग ही चल रहा है। यहाँ मीडिया एक तरफ है, पूरी ब्लॉगर्स कम्युनिटी पूरी एक तरफ है। यहाँ आप देखो इस तरफ भी दिखा दूँ, सब के सब ब्लॉगर्स भाई साहब, यहाँ अलग ही चल रहा है, अलग ही। करंट वक्त आपको बता दूँ, दिस इज़ 9:10 ऑफिशियली, मान लीजिए लगभग 1 घंटे हम लेट चल रहे हैं। ऑफिशियल प्लान था कि भैया डिनर सर्व नहीं होगा AK बाजी है, IRCTC मतलब कुछ तो बाराबंकी कुछ स्टेशन मैंने स्किप किए हैं। अब आपको देखो एक ब्लॉग में तो कितना दिखाएंगे, तो बाराबंकी से आए गए इन्होंने वेज बिरयानी, तो ठंडी है नहीं चलेगा कोई नहीं, पनीर है भाई साहब, पनीर है, काजू भी आ गया, क्या बात है। बस मीडिया वालों की, रेलवेज
रेलवे यही खातिरदारी करती है, ये बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए बाकी, ये तो ये है भाई, ख्याल रखा जरा, लेट हो रही तो हाँ देखो ट्रेन लेट हुई तो हमारे लिए डिनर भी अरेंज किया गया। सबसे अच्छी बात है C3 में चले जाओ, जिसको भी खाना भाई ये गुस्सा ना होना वीडियो देख के बोलो तुम्हारा स्पेशल अरेंजमेंट नहीं, C3 में चले जाओ मीडिया के लिए। मैं बोल देता हूँ काफी लोग देख के घुरा रहे हैं, गुस्सा नहीं। भैया पनीर की वेज बिरयानी मिल गई, कॉस्टिंग आपको बता दूँ चेयर कार की है अराउंड 900 और एग्जीक्यूटिव क्लास की है कुछ 1700 के आसपास, डायनेमिक फेयर्स है। बाकी आप सब चीज़ें ऑनलाइन वगैरह सब चेक कर सकते हो। बिरयानी एंजॉय करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सफर की शुरुआत की थी लगभग 5 बजे करीब, आप देख लीजिए लखनऊ, मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में, करंट वक्त आप मान लीजिए लगभग 10 और एक और वंदे भारत इनॉग्रल जर्नी होती है ख़त्म। अब आपको बता दूं ये वंदे भारत वापस जाएगी गोरखपुर और कल सुबह इसकी इनॉग्रल जर्नी मतलब कमर्शियल जर्नी स्टार्ट होगी S22549। IRCTC की वेबसाइट पर आप बुकिंग कर सकते हैं। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए, आगे पूरा चल रहा है सेलिब्रेशन। बस यही है रेलवेज का मज़ा और आपके सामने बैक टू बैक इनॉग्रल जर्नीज। ठीक है, दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द विद वन मोर एक्साइटिंग सफ़र। आप यहाँ देखिए, अगर ना आप जहाँ तक देखोगे अलग ही मज़ा है। एक बार मेरे साथ बोलिए सही, वंदे भारत वंदे मातरम, टाटा टेक केयर। जी तो व्यूवर्स, हमने वीडियो देखा, वीडियो था नई वंदे भारत जो कि लखनऊ से जा रही है और बहुत ही कमाल है। और नई वंदे भारत का इफ्तिताह किया गया है CM योगी जी और PM मोदी जी, दोनों बबर शेर एक साथ दिखे हमें आज। तो क्या ही बात है जी, मज़ा आया इस जर्नी को देख के, इस नई वंदे भारत को देख के और इंडिया की आवाम के लिए एक और अचीवमेंट्स देख के हमें दिल से अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम हमारे पास नहीं है और हम ऐसी चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे भी मुल्क में कुछ ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन आप लोगों के लिए ये एक छोटी बात होगी, मामूली बात होगी कि यार एक और ट्रेन चल गई है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो कमाल करते जा रहे हैं और आए दिन नई से नई ट्रेनें लॉन्च कर रहे हैं, पूरे के पूरे मुल्क को वो कनेक्ट कर देंगे। इंडियन रेलवे की जो है ना हिस्ट्री बदल के रख दी है नरेंद्र मोदी जी ने आगे, और जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया है इस पे बेहतरीन तरीके से। उनकी जो परफॉर्मेंस है अगर उनको भी दाद ना दी जाए तो बिल्कुल ये वंदे भारत, ये पूरी टीम काम करती है, लेकिन जो लीडर होता है लीडर की हमेशा से वाहवाही होती है। देखे उठते बैठते करते हमने 92 का वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन वाहवाही किसकी हुई, कप्तान की। हालांकि परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन पूरी टीम काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो लीडर है वो भी कमाल का है, टीम भी कमाल की है और बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से वो दिन आए रोज नया विकास होता जा रहा है, ये नया हो रहा है वंदे भारत हो रही है, मेट्रो हो रही है, वंदे भारत हो रही है, और फिर भी अगर लोग तनकीद कर दें तो फिर जहालत अभी बाकी है। मैं तो यही कहूंगा तो भाई, फिर भी अगर देखिए ऐसी परफॉर्मेंस जो हम देख के बड़े एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन कम है, लेकिन अगर उनकी की कहते हैं एक्सपेक्टेशन जो है ना अगर वो ज्यादा है तो फिर इसके मुताबिक परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अभी भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे ख्याल से तो 1000 गुना बेहतरीन है, लेकिन इंडियन अवाम को जो है ना खुश करना कोई आम। चले जी, कांग्रेचुलेशन पूरी की पूरी इंडियंस और हमारे खासकर व्यूअर्स को, आपके लिए एक और एक अचीवमेंट, एक और प्राउड मोमेंट, और हमारी तरफ से हमारी दिली मुबारकबाद है आपको, आप का जो रेलवे सिस्टम है और ज्यादा तरक्की करे और फला फूले। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ कीजिए, शायद आपकी ही दुआएं रंग लेंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।